हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मीन के 9th लेक्चर में। अगर कोई कंटिन्यूअस सीरीज दिया गया है तो उसे हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे फाइंड करेंगे, आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको स्टेप डेविएशन मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टेप डेविएशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम मीन को फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय आई, वेयर ए को एज्यूम मीन कहते हैं, कैपिटल डी को डेविएशन बोलते हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग सिंबल मिल सकता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। कैपिटल एन होता है सिग्मा एफ, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी, और आई निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका रहा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं और इसमें सॉल्व करके दिखाएंगे कि अगर कोई कंटिन्यूअस सीरीज दिया गया है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, स्टेप डेविएशन मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब मीन के क्लास इंटरवल सेम हो, इक्वल क्लास इंटरवल हो। अगर डिफरेंट क्लास इंटरवल होगा तो उसमें हम एप्लीकेबल स्टेप डेविएशन मेथड नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉब्लम 1, फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ गिवन डेटा। डेटा दिया गया है क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 4, 7, 11, 15, 8, 7। आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में स्टूडेंट हम 5 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे क्लास इंटरवल, दूसरे में फ्रीक्वेंसी, तीसरे में एक्स जिसे मिड पॉइंट बोलते हैं, चौथे में डी डैश, पांचवे में एफ डी डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हमें क्लास इंटरवल तो क्वेश्चन से कॉपी कर लेना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन से ही कॉपी करना है जो दिया गया है 8, 4, 7, 11, 15, 8, 7। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये आ गया 60, आप ऐड कर लीजिएगा स्टूडेंट। आप चाहो तो यहाँ आपको ऐड करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू आ गया आपका 60। ठीक है स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये 60 आ गया, तो हमने इसको ऐड करके यहाँ लिख लिया 60। उसके बाद हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 10 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, डिवाइड बाय 2 5 हो जाएगा। 10 प्लस 20 ऐड करेंगे 30 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे 15 हो जाएगा। 20 प्लस 30 ऐड करेंगे 50 आएगा, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे 25 आ जाएगा। 30 प्लस 40 ऐड करेंगे 70 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 55 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 65 आ जाएगा। अब हमें स्टेप डेविएशन मेथड में एज्यूम मीन लेट करना होता है, तो हमने 35 को एज्यूम मीन मतलब ए लेट कर लिया। आप 25 को भी कर सकते हैं, 45 को भी कर सकते हैं, 55 को भी कर सकते हैं, 15 को भी कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को नहीं करना चाहिए, बाकी आप किसी को कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब हमने क्या किया, एज्यूम मीन मान लिया इसको, जिसको एज्यूम मीन मानेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में उसके सामने जस्ट लिख देंगे 0, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब हमें देखना है इसके ऊपर स्मॉल वैल्यू ऊपर है या नीचे, जिसे हमने एज्यूम मीन माना है। एज्यूम मीन माना है तो इसके ऊपर की तरफ स्मॉल वैल्यू है, जिस तरफ स्मॉल वैल्यू होगी एक्स की उस तरफ हम लिखना शुरू करेंगे -1, -2, -3, एक और डिजिट होता तो -4, -5 ऐसे लिखेंगे, और जिस तरफ ग्रेटर वैल्यू है जिसे हमने एज्यूम मीन माना है उस तरफ +1, +1, अगले में +2, अगले में +3, और डेटा होता तो +4, +5 लिखते जाएंगे। ये समझ में आ गया स्टूडेंट, यही आपका टर्निंग पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, एफ डी डैश निकालना है। 8 मल्टीप्लाइड बाई -3 हो जाएगा -24, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 -8 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई -1 -7 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 15 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21 हो जाएगा। अब नेगेटिव वाले को अलग ऐड कर लेंगे तो -39 आएगा, पॉजिटिव वाले को अलग ऐड कर लीजिए तो आएगा 52। अब ग्रेटर वाले में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे तो 52 में 39 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। अब हमें फार्मूला अप्लाई कर देना स्टूडेंट, तो एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाई आई। ए हमने 35 को माना है तो 35 प्लस सिग्मा एफ डी डैश आया 13, डिवाइड बाई एन आपका है 60 लिख दिया, 60
मल्टीप्लाइड बाय आई क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 40 माइनस 30 क्या हो जाएगा 10 लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 35 प्लस 13 अपॉन 6। अब 13 में 6 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 2.1666 आ जाएगा, तो अब इसे 35 में ऐड करेंगे तो 37.1666 आ गया। अब इसका जो थर्ड डिजिट है 5 से ग्रेटर है तो सेकंड में 1 ऐड हो जाएगा तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 37.17। ये 6 में एक ऐड हो जाएगा 7 क्योंकि यहाँ पे थर्ड डिजिट जो है 5 से ग्रेटर है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने देखिए दो होमवर्क है, आप इसे देख लीजिए, होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3। इसे आप जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसका आंसर स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। स्टूडेंट आज हमने बात किया मीन के 9th लेक्चर में अगर कंटिन्यूअस सीरीज दिया है तो स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।